सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में गाइस। और मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल इवोल्व का, आर्क इटर्नल प्लस प्राइमल फियर का। तो गाइस, आर्क इटर्नल प्लस प्राइमल फियर के पिछले एपिसोड में जैसे कि आपने देखा ही होगा कि हमने जो है ना गाइस यहाँ पे टेम कर ली थी एकदम खतरनाक और डेंजरस वाली जो है ना गाइस हमारी ओमेगा रीपर की जो आर्क ना गाइस, वो आर्मी एंड इनके साथ साथ हमने जो ना एक स्पेक्ट्रल वाला यूट्रेनोसॉरस जो ना गाइस वो भी यहाँ पे टेम करा था। तो गाइस आज जो ना गाइस हम क्या करने वाले, आज के इस एपिसोड में जो ना गाइस मैं वापस से कोई खतरनाक सा जो ना गाइस यहाँ पे प्राइमल फियर का डायनो टेम करने वाला हूं। कौन सा डायनो वो अभी तक मैंने फिक्स नहीं करा, वो तो अपन ट्रांसमीटर के पास जाके देखेंगे कौन से डायनो को अपन को टेम करना चाहिए। तो गाइस चलिए आज का जो खतरों से भरा हुआ हमारा एडवेंचर है वो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी नए बंदे होंगे और चैनल पे फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना गाइस, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। तो फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो गाइस। और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमको लिंक मिल जाएगी यहाँ पे गेमिंग विद आने के चैनल की और हमारे ब्लॉगिंग चैनल की। तो दोनों चैनल को जरूर से चेकआउट कर लेना गाइस। आने के चैनल पे 100 डे वाली सीरीज चल रही है और एक नई सीरीज बहुत जल्दी नहीं भाई कल ही शुरू होने वाली है, तो फटाफट जाके चेकआउट कर लेना। तो चले गाइस खतरों से भरा हुआ हमारा एडवेंचर शुरू करते हैं। और ये लास्ट देख रहे हो गाइस स्पाइनो की, इस स्पाइनो को जो ना गाइस हमारी इस ओरिजिन ही बोल रहा है यार, ओमेगा रीपर की आर्मी ने ना भाई पिछले एपिसोड में पेलम पाल दिया था भाई बहुत गंदी तरीके से। तो आ जाओ भाई इन आर्मी को जो ना गाइस अपन यहां पे अभी फिलहाल के लिए क्रैपोर्ड कर दे और अपन को बेस पे जाकर ना एक काम कर लूं क्या गाइस। मैं सोच रहा हूं कि यहां पे जो ना गाइस मैं किसी सेलेस्टियल वाले या फिर सेलेस्टियल वाले से हाई लेवल का कोई डायनो नहीं था यार, किसी डिमोनिक वाले डायनो को टेम करके डायरेक्टली इवॉल्व कर दूं क्या? वैसे मैं कौन से डिमोनिक डायनो को भाई यहां पे टेम करके इवॉल्व कर सकता हूं जरा मेरे को एक बार फटाक से देखने दो भाई। एक मिनट रुक जा, पैरेट कौन-कौन से है यहां पे? पैरेट कौन-कौन से है? फायर लाइट, अच्छा कॉसिक नॉर्मल वाले पैरेट है, छोड़ दो फिर छोड़ दो भाई। डिमोनिक वाला कौन सा डायनो है यहाँ पे? बल्ब डॉग कर लिया मैंने, काफ़ी लो लेवल है, शाइन ऑन 45 लेवल ठीक है, नहीं चाहिए। इक्विस कर सकता हूँ मैं यार, ओविस, ए मैंने ओविस को टीम तो करा लेकिन मैंने ओविस को इवॉल्व नहीं कराना गाइस, क्या बोल रहे हो? ओविस को इवॉल्व कर लूँ क्या? एक मिनट रुक जाओ भाई, एक मिनट रुक जाओ, ओविस को इवॉल्व कर लेंगे भाई ठीक है, आ जाओ। अच्छा ओविस की एक आर्मी बनाएंगे इवॉल्व, और नॉर्मल वाली जो ओविस होती है ना गाइस उनकी एक खतरनाक सी आर्मी बना डालेंगे अपन भाई ठीक है। चलो ये मेरे पास यहाँ पे ओविस है क्या? डिमोनिक वाली ओविस चाहिए मेरे को, ये वाली कौन सी है अपनी? इम्पावर डिमोनिक ओविस मेरे पास पहले से पड़ी हुई है यार, खतरनाक भाई, खतरनाक खतरनाक। मैं दो यहाँ पे जो ना गाइस ओविस को टेम करके अपनी आर्मी जो ना एक खतरनाक सी ओविस की वो बना दूंगा भाई ठीक है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दो लोकेशन मैंने यहाँ पे जो ना गाइस ले लिए, लेकिन केबल कहाँ पे लिए मैंने? डिमोनिक वाले केबल चाहिए होंगे ना गाइस, 11 केबल है, 11 केबल से तो भाई 2 ओविस बड़े आराम से डेम हो जाएगी भाई। लोकेशन बताओ भाई, लोकेशन बताओ बस, कितना? 5566। अरे वापस से आ गई क्या? 5566 पे आई थिंक मैं पहले भी गया था ना गाइस, ये 5566 लोकेशन जो ना गाइस वहाँ पे पहले भी गया था मैं, हाँ पहले भी गया था आई थिंक रिपर को यहाँ पे डेम करने के लिए गया था। चलो कोई ना, इस बार भाई ओविस को डेम करने के लिए जाएंगे, लेट्स गो गाइस। ओके भाई लोग, अपन जो है ना गाइस उस लोकेशन के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुँच चुके हैं मेरे हिसाब से ठीक है। 5566 ना, 55 किधर है? अब 55 नीचू है भाई, 55 इधर एंड 66 थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, इस एरिया में कहीं भी होगी भाई। रुक जाओ भाई, हेलो बकरी जी कहाँ पे हो आप? हेलो हेलो ओविस, अबे यार 5566 पे तो पहुँच गया भाई। अब उरी 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 एम्पावर्ड है क्या? एम्पावर्ड, अबे नहीं नॉर्मली है भाई ठीक है, इसको तो गन से नॉकआउट कर लूँगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आजू बाजू उतना ज़्यादा खतरा भी नहीं है ठीक है। गन में 3 ही गोलियाँ, रिलोड मार लेता हूँ क्योंकि अगर मेरे नज़दीक आ गए ना तो मेरे को जला के खाक कर देगी ये बकरी भाई ठीक है। थोड़ा संभल के बेटा बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 11 12 और ये हो गई नॉकआउट भाई ठीक है। डन हो गया अपना काम, 25 भाई ठीक है। कितना लेवल है इसका? 400 लेवल की आई थिंक होगी कुछ, 255 लेवल की है क्या? अच्छा इतनी कम लेवल की, इसको भाई टेम करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ क्या? आर कॉमे दी मी ले बेटा, कितना केबल कितना का है वैसे? अबे 2 केबल में तो हो जाएगी ये, 2 केबल में हो जाएगी, मेरे को टेबल पर डालना पड़ेगा। हो गया हो गया हो गया, केबल वापस दे, अरे 1 केबल एक्स्ट्रा आ गई भाई ठीक है। चलो भाई लेट्स गो भाई, 300 लेवल की जो ना गाइस बकरी अपन को यहाँ पे मिल चुकी है, अभी अपन फटाक से चलते हैं। और यहाँ पे जो ना गाइस एक हाई लेवल की भी बकरी है 1782 पे, जो लोकेशन मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा दूर है क्या? 1782 54 17 बोले तो यहाँ पे एंड 1780, अरे यहाँ पे इस डायरेक्शन में
ओके भाई, काफी ज्यादा दूर है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वहां पे पहुंच के भी जो ना गाइस, जो थोड़ी सी हाई लेवल की हमारी बकरी है ना गाइस, उसको यहाँ पे टेम कर लेते और अपना कलेक्शन जो ना गाइस वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन को सिर्फ बकरी को यहाँ पे इवॉल्व करना है। क्या बोल दी बाबली, चलो चलो चलो, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। मैं हमेशा गलत लोकेशन पे क्यों आता हूँ भाई? मेरे को यहाँ पे नहीं आना था, मैं गलत लोकेशन पे आ गया भाई। 1782 समझ के मैं भाई यहाँ पे कुछ अलग ही लोकेशन पे आ गया हूँ। रुक जाओ, वो जो भाई 1782 लोकेशन थी ना गाइज, वो अपने घर के काफी ज्यादा नजदीक थी। मेरे को आई थिंक जन्नत साइड में जाना था और वहाँ पे भाई 1782 पे मैं पहुंच जाता भाई। रुक जाओ, इस तरफ है ना गाइज, आई थिंक इसी तरफ है भाई। हाँ इसी तरफ है यार, मैं खामगा गाइज ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था यार, मेरे को इसी तरफ जाना था। मेरे हिसाब से जो ना गाइज, ये अपना जो क्या बोलता वॉल्केनिक वहाँ पे ना गाइज, वहाँ पे मेरे को मिल जाएंगे भाई। ठीक है, 32 पे पहुंच गया मैं, बस मेरे को ऐसे कर करके जो ना गाइज यहाँ पे 82 पे पहुंच बेटा। 82 कहाँ पे, 82 कहाँ पे, 17 पे पहुंचने वाला हूँ मैं भाई। 82 इधर, 17, अरे यहाँ पे ही है भाई जन्नत में। अबे ये भी मिल जाएगी मेरे को बकरी, कहाँ पे भाई, कहाँ पे बेटा, उड़ा बिड़ाना तो गलती से भाई। रुक जाऊँ थोड़ा आराम से, ये रे भाई ये रे, कितना 400 लेवल की तो होगी भाई पक्का, 420 लेवल की है भाई, 1 मिलियन टॉर्पोरेट टोटल भाई। ठीक है आ जाओ। अरे पेगासस, अरे फावड़ वाले पेगासस गाइज, दो दो भाई इनको अगले एपिसोड में टेम मार रहा मैं। हाँ भाई मेरे को बता नहीं कुछ, मैं अगले एपिसोड में इनको टेम मार रहा भाई। गाइस इम्पावर्ड वाले दो दो पेगासस से यार, मजाक कर रहे हो क्या भाई, खतरनाक ब्रदर। बोले बेटा इसको टॉर्पोर चढ़ा जल्दी से भाई, अगर इसने स्पेशल अटैक दिया ना तो मेरी बुर्जी बन जाएगी। थोड़ा संभल के बेटा, थोड़ा संभल के बेटा। कहाँ पे भाई, पता नहीं भाई कहाँ पे, गोलियाँ तो मेरी सारी वेस्ट हो गई भाई यहाँ पे बकरी के चक्कर में। हो रही बेटा, ले बेटा नाइस वन, काफी बढ़िया भाई, काफी बढ़िया भाई, फाइनल मैंने इसको नॉकआउट कर ही लिया गाइस। आ जाओ भाई, भाई अपने भाई लेजेंडरी पेगासस जो इम्पावर्ड वाले ना गाइस, उनकी आर्मी अपन अगले एपिसोड में बना रहे भाई, खतरनाक भाई। इम्पावर्ड वाले लेजेंडरी पेगासस मिल रहा है अपन को। ये डिमोनिक केबल कितने का आएगा, आई थिंक 4 से काम हो जाएगा। और 200 लेवल के लिए 2 चाहिए थे तो ये 400 लेवल के लिए 4 चाहिए होंगे भाई, और ये भी 2 से ही होगी भाई, काफी ज्यादा सस्ते में हो रही यार ये टाइम। एक एक्स्ट्रा केबल मत करना, अरे खा गई यार, चलो कोई ना भाई। 600 लेवल की ओवीज गाइस अभी अपने पास जो ना गाइस, सारी की सारी जो ओवीज है ना गाइस वो आ चुकी है। अबे आना, अबे हेलो, हाँ ठीक है चलो आ जाओ। अभी अपने पास जो ना गाइस इम्पावर्ड वाली, नॉर्मल वाली एंड भाई अभी रुक जाओ, अभी एक एक ओवीज बची हुई है भाई, वो भी अभी आ जाएगी, रुक जाओ। और ये तीनों जो ओवीज है ना गाइस, इनके आर्मी से हम एकदम खतरनाक और डेंजरस वाली ओरिजिन बॉस की जो आर्मी होगी ना, उनसे फाइट लेंगे भाई। क्या बोल दी पब्लिक, आ जाओ भाई, अभी फुल टू भाई राड़ा होएगा राड़ा भाई। ठीक है रुक जाओ रुक जाओ, यहाँ पे मैं पहले बनाने के लिए डाल देता हूँ। ओरिजिन किधर है बेटा, ओरिजिन भाई बॉसेस की आर्मी बना भाई इसके, मेरे को बता नहीं, मेरे को ओरिजिन बॉसेस की आर्मी मांगती मतलब मांगती भाई। ठीक है अबे सोसो बना डाले भाई, अभी सोसो नहीं बना, 10-10, 20-20 बना ले भाई। गाइस देखना एकदम खतरनाक वाली आर्मी जो ना गाइस, उससे अपन फाइट लेने वाले ओरिजिन बॉसेस की भाई। ठीक है, दो 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 का दो 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 भाई, 10-10, 20-20 बना देना भाई। क्या कर रहे हो तुम, व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो। ले बेटा, हाँ खतरनाक बन गया भाई, सारे के सारे बनाने के लिए डाल दिए। अभी मेरे को जो ना गाइस यहाँ से एक सोल चाहिए होगी, सबसे पहले जो ना गाइस मैं यहाँ पे बकरी को इवॉल्व करने का काम करता भाई। ठीक है चलो आ जाओ भाई, तो मैंने एक सोल उठा ली है जिससे अपन डिमोनिक वाले किसी भी क्रीचर को जो ना गाइस इवॉल्व कर सकते हैं। एंड यहाँ पे ये रही अपनी बकरी, दूसरी कहाँ पे भाई, ओवीस, ये रही भाई, रुक जाओ गाइस। ठीक है सारी ओज के जो ना गाइस सबसे पहले बाहर निकाल के मेरे को जो ना गाइस इनको थोड़ा सा लेवल अप करना है। एंड उसके बाद भाई ये बड़ी वाली जो है ना कि इम्पावर्ड वाली अपनी बकरी है भाई, ये देखो भाई, ये अपनी इम्पावर्ड वाली डिमोनिक ओवीस है, और ये दो जो ना गाइस नॉर्मल वाली डिमोनिक ओवीस है। इम्पावर्ड वाली का आई थिंक जो ना गाइस मैंने मैक्स लेवल का करके रखा है, यहाँ पहले से मैक्स लेवल करके रखा है। एंड ये रही हमारी भाई डिमोनिक वाली, थोड़ी सी लो लेवल की जो ना गाइस बकरी भाई। ठीक है तो इसको जो ना गाइस सबसे पहले मैं मैक्स लेवल कर लेता हूँ। एंड ले बेटा थोड़े से इसके हेल्थ में पॉइंट डाल दूंगा ज्यादा, क्योंकि अभी काफी ज्यादा ओरिजिन वाले बॉसेस से जो ना गाइस अपन पंगा लेने वाले, तो मैंने चाहता कि वहां पे जो ना गाइस ये बकरी की बैंड बच जाए, क्योंकि इसकी लेवल काफी ज्यादा कम है। एंड इसको इम्प्रिंटिंग वाला पोशन भी खिला दूंगा मैं, ठीक है कोई टेंशन वाली बात नहीं। ले बेटा डन डना डन डन, मैक्स लेवल की जो ना गाइस ये बकरी यहाँ पे हो चुकी है, इसको इम्प्रिंटिंग पोशन खिला देते हैं। एंड इसको जो ना गाइस आई थिंक मैंने इसको इम्प्रिंटिंग पोशन खिलाया था क्या, वो इसको पहले से इम्प्रिंटिंग पोशन खिलाया हुआ है। ठीक है इधर आ जा बेटा, ओके भाई, ये ले भाई इसको बाहर निकाल लेता हूँ, डन भाई। और ये जो ओवीस होगी ना गाइस, जिसको अपन इवॉल्व करने का यहाँ पे काम करेंगे भाई। ठीक है तो इसको सबसे पहले इवॉल्व करने से पहले क्या करना है अपन को, मैक्स लेवल का करना है, इम्प्रिंटिंग पोशन खिला के एकदम ओपी वाला बना देना है। एंड उसके बाद जो ना गाइस इसके अंदर अपन डाल देंगे इवोल्यूशन वाला जो अपना सोल है ना गाइस, वो सोल। एंड वो सोल खिलाने के बाद हमारी ये बकरी हो जाएगी एकदम खतरनाक और डेंजरस वाली ना मेरे बाची। रुक जाओ ले बेटा, मैक्स लेवल की गाइस ये हो चुकी है। अब इसको जो ना पटाख से अपन इम्प्रिंटिंग पोशन खिलाएंगे।
एंड इसके स्टैट जो ना गाइस वो अभी यहाँ पे रिसेट हो जाएंगे। कमॉन बेटा कमॉन, थोड़े से बढ़ जाएंगे इसके स्टैट्स। 6000 हेल्थ, मजाक कर रहा है क्या? 6000 हेल्थ कैसी होंगी भाई बकरी की? रुक जा बेटा। अरे यार बारिश आ गई, यार बारिश आ गई। चलो कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई। कितना? अबे वो पेगो पिगो ने इसकी, अबे इसकी हेल्थ दिखा ना मेरे को। बकरी की हेल्थ ना दिखा रहे यार, पता नहीं कितनी हेल्थ है भाई बेचारी की। ठीक है चलो आ जाओ, अभी इसको जो ना कैसे अपन इवोल्यूशन पोशन खिला के इवोल्व कर लेते हैं भाई। ठीक है आ जाओ भाई। 1 2 3 डिसेंट डायनो भाई, डिसेंट वाली भाई। यहाँ पे जो ना फॉलन डिमोनिक ओवीज अभी ये होने वाली है। अच्छा नहीं हुई क्या? अब यार जल्दी हो जा भाई। इसको जो ना कैसे अपन फॉलन डिमोनिक ओवीज जो ना कैसे वो बनाने वाले। ले बेटा ले बेटा ले बेटा, डन 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 ना मेरे भाई। अरे कहाँ पे? ओ भाई इसका लुक तो देखो कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है गाइस। ओ भाई साहब इस बकरी का लुक तो देखो कितना ज्यादा ओपी लग रहा है भाई। ये बकरी जो है ना गाइस उन वाले बकरों से भाई, बकरों या बकरियां जो, अच्छा बकरियां या बकरे है भाई ये पता नहीं भाई, जो भी है उनसे तो काफी ज्यादा ओपी लग रही है यार। है गाइस रुक जाओ रुक जाओ गाइस रुक जाओ। यहाँ पे जो ना गाइस इसको जो ना सबसे पहले अपन यहाँ पे मैक्स लेवल का कर लेते हैं, एंड उसके बाद इसको जो ना इम्प्रिंटिंग वाला पोशन भी खिला देंगे भाई, एकदम मस्त वाला भाई। ठीक है इम्प्रिंटिंग पोशन भी खिला देंगे ताकि इसका जो ना गाइस एकदम खतरनाक वाला जो ना गाइस यहाँ पे स्टैट्स बीट्स हो सके, इसका डैमेज जो ना गाइस वो काफी ज्यादा तगड़ा वाला बढ़ सके भाई। ठीक है ले बेटा। अरे भाई ले भाई ये ले 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 एंड ये ले 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 भाई। ठीक है ओके 69 पॉइंट इसके डैमेज में डाले मैंने। मेरे को पहले इसका भाई डैमेज और हेल्थ देखने तो कितना जा रहा है भाई। वो तो दिखाई नहीं दे रहा था ना, वो तो दिखाई नहीं दे रहा कितना जा रहा था। और फॉलन डिमोनिक का ठीक है भाई 200 जो है ना गाइस मिलियन, इसका मतलब लगभग 300 मिलियन जो है ना गाइस इसका हेल्थ है भाई। ठीक है बस ये यहाँ पे जो ना ग्लिच ना हो जाए यार, ग्लिच ना हो जाए। 15 मिलियन हो गया भाई। ठीक है 15 मिलियन, अच्छा 15 मिलियन वो इवो का है भाई, इवो गीगा का। तेरा बता अभी, तेरा बता, तेरा स्टैट्स 400 मिलियन भाई। खतरनाक भाई, खतरनाक 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 भाई। अभी बस बारिश जाने दो, जैसे ही बारिश जाएगी ना वैसे ही यहाँ पे एकदम फुल टू खतरनाक वाली फाइट होने वाली है जी, एकदम डेंजरस वाली। एंड भाई बारिश जाने के बाद अपने जो भाई बकरियां ना गए उनका डैमेज में आपको दिखा देता हूँ भाई। ठीक है रुको गाइस रुको। तो गाइस यहाँ पे बारिश जा चुकी है और भाई साहब अपनी बकरियों की आर्मी देखो, इम्पावर्ड नॉर्मल एंड भाई फॉलन वाली डिमोनिक ओवीज। अभी डैमेज की बात करें तो यहाँ पे जो ना गाइस आपको पता ही होगा कि सबसे ज्यादा पावरफुल जो ना गाइस अपनी एक ही बकरी है, एंड वो है वन एंड ओनली भाई हमारी ये वाली बकरी भाई। ठीक है ये वाला स्पेशल अटैक होता है ना इसका, हाँ ये वाला स्पेशल अटैक होता है। कितना डैमेज दे रही है भाई? 200 मिलियन का डैमेज मात्र भाई। ठीक है विदाउट गाइज यहाँ पे जो ना गाइज पावर अप करे हमारी पावर वाली बकरी 200 मिलियन का डैमेज दे रहा है। अभी आप बोलोगे कि जो अपने पास वो दूसरी वाली बकरी पड़ी है वो इससे भी ज्यादा डैमेज देगी, ना गाइज ना। यहाँ पे जो ना गाइज इम्पावर्ड वाले डायनो सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, हमारे इवॉल्व वाले डायनो से भी ज्यादा पावरफुल अगर कोई डायनो है तो वो है गाइज हमारे इम्पावर्ड वाले डायनो भाई। ठीक है अभी देखो भाई इस बकरी को भी जो ना गाइज अपन जाके यहाँ पे इसका भी भाई डैमेज टेस्ट करते हैं, इसका डैमेज जो ना गाइज 200 मिलियन मेरे हिसाब से नहीं जाएगा भाई। कितना जा रहा है देखो, कितना जा रहा है गाइज? हाफ डैमेज जा रहा है, जबकि भाई वो इम्पावर्ड वाली जो है ना गाइज वो इवॉल्व भी नहीं करी है, एंड वो इवॉल्व भी नहीं होती वो अलग बात है, लेकिन इम्पावर्ड वाली का डैमेज यहाँ पे 200 का जा रहा था और इसका डैमेज गाइज यहाँ पे जा रहा है 128 मिलियन का। तो आपको पता चली गया होगा कि यहाँ पे और नॉर्मल वाली का डैमेज देखना चाहोगे? नॉर्मल वाली का डैमेज रुक जाओ अभी आपको नॉर्मल वाली जो है ना गाइज उसका भी डैमेज दिखा देते हैं। यार सबका दिखा दिया तो इसका भी दिखा देते हैं भाई। आ जाओ आ जाओ इसके ऊपर दिखाओ। अरे यहाँ पे ना एक रैप्टर विप्टर है ना इम्पावर्ड वाला, ले बेटा पार्ट से। कितना जा रहा है इसका? तो 26 जा रहा है यार, इसका तो सबसे ज्यादा कम है भाई, लेकिन कोई ना। चलो भाई आपको पता चल गया होगा कि इन तीनों बकरियों में जो ना गाइस सबसे ज्यादा पावरफुल वाली जो ओवीस है वो कौन सी है भाई? हमारी जो भाई इम्पावर डिमोनिक ओवीस है ना गाइस वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। अभी हमारी जो भाई ओवीस आर्मी है ना गाइस खतरनाक सी, इससे भी हम यहाँ पे करने वाले एकदम खतरनाक और डेंजरस सी बॉस फाइट। एंड इस बॉस फाइट में जो ना गाइस अपन ऐसा 1 2 3 4 ऐसे बॉसेस को नहीं उतारेंगे गाइस। ठीक है भाई ऐसा छोटे छोटे काम करना अपन ने छोड़ दिया है भाई। ठीक है ये भाई ओरिजिन किधर है बेटा? ओरिजिन किधर है? बुला भाई 10 बॉस को। कितना कितना बुलाएगा? ये 8 बुला, ये 11 बुला और ये बियर बुला 12 भाई। ठीक है इनफ है क्या? हाँ इतने से काम बन जाएगा गाइस। ठीक है चलो भाई अपनी भाई डिमोनिक ओवीस के आर्मी किसी से कम है क्या भाई? 30 ओरिजिन बॉस से एक साथ फाइट ले रहे हैं अपन गाइस। ठीक है 30 ओरिजिन बॉस से देखते हैं चलो गाइस कि यहाँ पे अपनी डिमोनिक भाई जो ओवीस की आर्मी है ना गाइस वो यहाँ पे क्या कमाल दिखा पाती है गाइस। वैसे आपको क्या लग रहा है कि इन सारे के सारे बॉसेज को हमारी डिमोनिक ओवीस की आर्मी यहाँ पे पेलम पाल दे पाएगी? चलो देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं। आ जाओ भेज क्या अभी यही पे अपन की जो ना बॉस फाइट होने वाली है, और मैं जो ना गाइस यहाँ पे डिमोनिक वाली जो अपनी क्या बोलते हैं इवॉल्व वाली जो बकरी है ना गाइस उसको चलाने का काम करने वाला भाई। ठीक है ऑल राइट ले बेटा इनकी जो ना गाइस बिहेवियर में देख, ऑप्शन में देख, बिहेवियर में न्यूट्रल ही है ना ये न्यूट्रल, हाँ न्यूट्रल है चलो भाई
न्यूट्रल है भाई, ठीक है। इसकी पावर अप कर ले भाई, पावर अप करना जरूरी है भाई, ठीक है, क्योंकि विदाउट पावर अप थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी भाई, ठीक है। ले बेटा पावर अप कर ले, खतरनाक। रेडियो गाइस, रेडियो रेडियो रेडियो, ले बेटा सारे सारे के सारे ओरिजिन को एक साथ बुलाने वाला होगा इसमें, ठीक है, लेट्स गो। क्या अपनी भाई ये बकरी आर्मी भाई मार पाएगी उनको, क्या लगता है भाई? आप नीचे कमेंट करके बता देना क्या लगता है, अगर मार दिया ना तो आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है भाई, ठीक है। चलो रेडियो गाइस, अपने भाई ओबीस आर्मी का जलवा देखने के लिए, ले बेटा कम ऑन आ जाओ भाई, ले बेटा 1 2 3 11 ये, उसके बाद ये बियर बियर और सब अर्जेंटिव, हाँ खतरनाक। चल बेटा बेटा लोग फाइट शुरू, आक्रमण आक्रमण भेज के, अरे आक्रमण क्या ए भाई, अबे बुर्जी बन गई, ए भाई यहाँ पे लोगों की बुर्जी भी बन गई भाई, आक्रमण क्या भाई, जैसे आ रही ओरिजिन डायनो उन सबकी भाई पेटी बना रही है अपनी बकरियाँ भाई, बस नजदीक आने की देरी है, आ जा आ जा इधर आए, देखो ये देखो, जाओ जाओ, अरे पानी में भी जा करते करते चली गई यार उसका तो, ए पानी में आओ पानी में आओ, पानी में आना पानी में आना पानी में आना, ए दौड़ा लो दौड़ा लो, अरे दौड़ा लो, हाँ दौड़ा लो इनको दौड़ा लो भाई, पील दिया क्या बकरियों ने, अब बकरियाँ बहुत गंदा मार रही यार इनको, अब बहुत गंदा मार रही है यार अपनी भाई ओबीस, ये देखो एक तो डायरेक्टली उनके अंदर घुसी हुई है, और ये छुटकू रानी जो है ना गाइस वो भी काफी ज्यादा गंदी तरीके से इनको मारने की कोशिश कर रही है, खत्म क्या, अबे एक भाई पीछा कर करके मार रही है यार, ये देखो भाई पीछा कर करके मार रही है, ले पेल दे पेल दो पेल दो उनको, पेल दिया भाई खतरनाक, इसको भी पेल, इसको भी पेलना, आना भाई, ए भाई ए इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, अरे मर गया भाई इधर आओ, क्या ये तो मर गए भाई, ए भाई कोई बचा हुआ है क्या, ए कोई इक्का दुक्का बचा होगा तो आ जाना रे, आना 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 इधर आ इधर आ, ए बकरियों बकरियों मारना, तुम मारना मैं नहीं मारूंगा, तुम ही मारना तुम ही मारना, चलो तुम ही मारना भाई, खत्म। स्पाइन हो गया, अर्जेंटिविस अर्जेंटिविस भी गया, आ जाओ भाई, ए आ जाओ भाई, अंडे अंडे दी दिए भाई डिमोनिक वाले इन्होंने, देख रहा मैं क्या बोला था गाइस, जब आप अगर आप पावर अप करोगे ना उसके बाद ये डिमोनिक वाले जो भाई डायनोस होते हैं ना गाइस, जो अंडे देख रहे हो काफी ज्यादा अंडे देते हैं भाई, वैसे इन अंडों की मेरे को सख्त जरूरत है भाई किबल चिबल बनाने के लिए, ये फॉलो कर लो यार फॉलो कर लो यार, भाई एक ने दो बियर बचे हुए यार, अब पहाड़ी चल रहे भाई, ये माउंट एवरेस्ट पे जा रहे हो क्या, अरे इनको भगवान के पास पहुंचा देता भाई, व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो, चलो आ जाओ भाई, ये देखो पहाड़ी चढ़ रहा है बेस क्या, ये बियर तो पहाड़ी चढ़ रहा था भाई। गाइज अपनी जो भाई ओबीस की आर्मी है ना डिमोनिक वाले, वो काफी ज्यादा खतरनाक है भाई, मतलब अपनी आर्मी ने यहाँ पे 30 ओरिजिन बॉसेस को ऐसे भाई खड़े खड़े पेलम पाल दे दिया, मजाक कर रहे हो क्या, और मैंने अपनी ओबीस को जो ना गाइस एक भी बार यहाँ पे हीलिंग पोशन नहीं खिलाया गाइस, ठीक है, एक भी बार हीलिंग पोशन नहीं खिलाया, और ये देखो भाई डैमेज कितना ज्यादा दिया है भाई अपने भाई बकरियों ने यहाँ पे, खतरनाक गाइस। गाइस आपको जो ना गाइस हमारी डिमोनिक ओबीस की जो वेट अ मिनट, हेल्थ कितनी गई इनकी, इसकी हेल्थ जो है ना गाइस अभी दिखाई नहीं दे रही भाई, इसकी हेल्थ भाई इतू सी गई है नॉर्मल वाली की, और तेरी तो भाई अभी इसकी तो इतू सी भी नहीं गई भाई, क्या ही पेलम पाल दिया है, और पॉटी के साथ अंडा फ्री गाइस स्कीम चल रहा है, देखो गाइस ये पॉटी भी कर रही है, और पॉटी के साथ जो ना गाइस यहाँ पे अंडा भी अपन को दे रही है, जो कि काफी अच्छी बात है भाई, ये देख रहा हूँ ये देख रहा हूँ ये देख रहा हूँ, पॉटी के साथ साथ अंडा भी दे रही है, काफी अच्छी बात है। तो गाइस हमारी डिमोनिक ओबीस की जो आर्मी है ना गाइस, और उससे जो हमने यहाँ पे ओरिजिन वाले भाई यहाँ पे 30 बॉसेस को मारा, वो वाली फाइट आपको कैसी लगी मेरे को नीचे कमेंट करके जरूर से बता देना, अगर अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जो ना कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, तो मिलते हैं सबसे अगले एपिसोड में गाइस सर्वाइवल इवॉल्व के आर्किटर्नल प्लस प्राइमल फियर के, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय गाइस, एक बार भाई बकरी ओपी होना चाहिए नीचे कमेंट में फटाक से सटाक से गाइस, जी के मिलता है अगले एपिसोड में, बाय बाय सी यू लेटर। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.